मैं अब्दुल रहमान, उत्तर प्रदेश राजर्षी टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के इस लेक्चर सेशन में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर सेशन का मौजू है असरारुल हक मजाज की एक नज़्म आवारा। कबल अज मैं इस पर इजहार ख्याल करूँ, तलबा को बताना चाहता हूँ कि बीए के जो पेपर्स होते हैं ये दो हिस्सों में बांटे गए हैं, यानी दो हिस्सों में मुनकसिम हैं। एक हिस्सा असाइनमेंट का है और दूसरा हिस्सा जो आप तहरीरी शक्ल में इम्तिहान देते हैं उसका है। असाइनमेंट के लिए 30 नंबर मुख्तस हैं, यानी आप असाइनमेंट लिखेंगे इसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 नंबर आप मिल सकते हैं, और फिर जो पर्चा होगा वो 70 नंबर पर मुश्तमिल होगा। इस तरह कुल 100 नंबर का पर्चा आपका होगा। ये बात हो गई। अब हम नज़्म से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले मैं आपको मजाज के बारे में बता दूं। असरारुल हक मजाज, जिनकी पैदाइश बाराबंकी में एक जगह है रुदौली, वहाँ पर ये पैदा हुए 19 अक्टूबर 1911 में इनकी पैदाइश हुई, और इनका इंतकाल 5 दिसंबर 1955 को 44 साल की मुख्तसर मुद्दत में हो गया। मजाज उर्दू के उन चुनिंदा और नुमाइंदा शोरा में शामिल हैं जिन्होंने नज़्म और गज़ल दोनों में मकबूलियत हासिल की और दोनों में जिनको मलका हासिल था। मजाज के तारुफ के लिए ये अशार ही काफ़ी होंगे। बई रिंदी मजाज एक शायर मज़दूर व दहका हैं। बई रिंदी मजाज एक शायर मज़दूर व दहका है, अगर शहरों में वह बदनाम है बदनाम रहने दे, या फिर बख्शी है हमको इश्क ने वो जुरतें मजाज, बख्शी है हमको इश्क ने वो जुरतें मजाज, डरते नहीं सियासत अहले जहाँ से हम। मजाज की शायरी में इनकलाब भी है और रूमान भी है। 1936 में जब तरक्की पसंद तहरीक की बिना पड़ी तो उनके इस तहरीक के नुमाइंदा शोरा में और ख़ासकर नज़्मगो शोरा में मजाज का नाम सर फहरिस्त शामिल रहा है। मजाज का एक शेर बड़ा मशहूर है कि तेरे माथे पे आँचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे आँचल बहुत ही खूब है लेकिन, तो इस आँचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मजाज ऐसा शायर है जो अलीगढ़ का तालिब इल्म रहा, लेकिन जब वो रुदौली से लखनऊ आए तो मजाज को लखनऊ इस कदर भाया और इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने नाम के साथ मजाज तखल्लुस के साथ लखनऊ जोड़ दिया, और इस तरह वो मजाज लखनवी के नाम से जाने लगे। तो इनका पूरा नाम हुआ असरारुल हक मजाज या मजाज लखनवी। पैदाइश के बारे में मैंने बताया और वफात के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इनसे मुतालिक जो बातें हैं वो ये कि इन्हें नज़्म पर मुकम्मल कुदरत हासिल थी, लेकिन इन्होंने बहुत कम लिखा। मजाज का तारुफ यह है कि मैं आपको बताता चलूं कि इन्हें उर्दू में अंग्रेज़ी का कीट्स कहा जाता है। कीट्स जो अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा शायर है, 1795 में जिसकी पैदाइश होती है और 1821 में उसका इंतकाल हो जाता है। 26 साल की मुख्तसर मुद्दत में कीट्स ने काफ़ी अच्छी और मकबूल शायरी की और एक शायरी का वाफिर ज़खीरा छोड़ा, लेकिन मजाज की उम्र कीट्स के मुकाबले ज़्यादा रही, कहीं ज़्यादा रही। और मजाज ने जैसा कि जोश मलिहाबादी ने भी यादों की बारात में लिखा है कि मजाज ने या मजाज की जो सलाहियत थी उसको मजाज ने सिर्फ
25% ही इस्तेमाल किया। अगर उम्र वफा करती और मजाज शराब नोशी न करते, क्योंकि मजाज बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, वो ये कहा करते थे कि अगर शराब का कहीं नल लगता तो मजाज अपने घर में उसको लगा लेता। शराब के इस कदर वो आदी थे और शराब ने ही उन्हें बर्बाद कर दिया। ब्रेन हेमरेज हुआ और एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कई दफ़ा उनको दौरे पड़े, नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हुए। हॉस्पिटल की छत में सर्दी के मौसम में ठिठुरते हुए शराब पी रखी थी, छत पर चले गए और वहाँ नर्वस ब्रेकडाउन होने की वजह से हॉस्पिटल की छत पर ही उनका इंतकाल हो गया 5 दिसंबर 1955 को। ये शायर, लाफानी शायर, अब्द की नींद सो गया। मजाज के बारे में एक बात और जो कहनी थी वो ये है कि मजाज ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो तराना है वो मजाज का ही लिखा हुआ है, और उनकी नज़्म रेल बहुत मशहूर हुई, उनके कुछ अशार बहुत मशहूर हुए। उनकी वो नज़्म जिसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे वो नज़्म है आवारा। आवारा नज़्म जो है वो मजाज की बहुत मशहूर नज़्म है। फिल्म ठोकर जो 1953 में बनी थी, उस फिल्म में गुलकार तलत महमूद ने इस नज़्म के कुछ हिस्से गाए थे। ये मजाज का तारुफ अंग्रेज़ी में है, चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ इज़ नोन एज स्किट्स ऑफ उर्दू एंड इज़ फेमस फॉर हिज रोमांटिक एज वेल एज रेवोल्यूशनरी पोइट्री, यानी अपनी रोमानी और अपनी इनकलाबी शायरी के लिए मजाज बहुत मशहूर रहे हैं। मजाज का ताल्लुक जो है जानिसार अख्तर से रहा है। जानिसार अख्तर मजाज के बहनोई हुआ करते थे, जो फिल्मों में गाने लिखते थे, और जावेद अख्तर मशहूर लिरिसिस्ट और मशहूर जिन्होंने फिल्म शोले और जंजीर सलीम खान के साथ, सलीम जावेद की जोड़ी थी, सलीम के साथ जावेद अख्तर भी हुआ करते थे, इन्होंने मिलकर वो फिल्म लिखी थी। और इस तरह जो है मजाज का जो ताल्लुक़ था वो मजाज जो है जावेद अख्तर के मामू हुआ करते थे, और जानिसार अख्तर के वो जो है रिश्ते में वो साले हुआ करते थे। और आगे हम, जैसा कि मैंने आपको बता दिया बहुत पहले, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि तालीम के लिए मजाज लखनऊ आए, उसके बाद उन्होंने लखनऊ जो है अपने नाम के साथ जोड़ लिया। मुलाजमत में यह है कि 1936 में दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाये आवाज़ के पहले मुदीर हुए। उन्होंने कुछ वक्त के बाद कुछ मुद्दत के लिए मुंबई इंफॉर्मेशन में, जो अब मुंबई है, पहले बम्बई हुआ करता था, इसमें काम किया, और फिर लखनऊ आकर अदब और परचम की इदारत संभाली। जैसा कि मैंने लिखा है कि मजाज की मुख्तसर जिंदगी का खासा उनकी शायरी थी। उनकी सबसे बेहतरीन नज्म आवारा है, जैसा कि मैंने पहले बताया 1953 में जो शाये हुई थी फिल्म ठोकर में इसका इस्तेमाल भी किया है। हम आज इसी नज़्म से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे। कबल अज मैं इस नज़्म से मुतालिक कुछ कहूँ, मैं चाहूँगा कि ये नज़्म एक दफ़ा मैं पढ़ूँ, और तलबा जब भी ये लेक्चर देखें तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि ये नज़्म जो है अपने सामने रखें, और मैं पढ़ रहा हूँ वो नज़्म भी दोहराएं अपने साथ, और उसके बाद हम इस नज़्म पर गुफ्तगू करेंगे। तो मैं नज़्म पढ़ता हूँ। नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, आए गम दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूं। झिलमिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर दहकी हुई शमशीर सी, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ये रुपहली छाँव ये आकाश पे तारों का जाल, ये रुपहली छाँव ये आकाश पे तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर जैसे आशिक का ख्याल। ये बंद फिर से देखिए, ये रुपहली छाँव ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर जैसे आशिक का ख्याल,
आह लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल, ऐ गम दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। ये मजाज का जो मजमूआ है आहंग, ये नज़्म मैंने वहाँ से उठाई है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो तीसरा बंद है, तीसरे बंद का जो आखिरी मिसरा है, आप लेकिन कौन जाने लिखा हुआ है, ये आप नहीं है, ये आह है, आह लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल। आप इसे ठीक कर लीजिएगा। फिर चौथा बंद, फिर वो टूटा एक सितारा, फिर वो छूटी फुलझड़ी, फिर वो टूटा एक सितारा, फिर वो छूटी फुलझड़ी, जाने किसकी गोद में आई ये मोती की लड़ी, भूख सी सीने मुट्ठी, चोट सी दिल पर पड़ी, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। रात हंस हंस कर ये कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी शहनाज लाला रुख के काशाने में चल, ये नहीं मुमकिन तो फिर ऐ दोस्त वीराने में चल, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियाँ रानाइयाँ, हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियाँ रानाइयाँ, हर कदम पर इशरतें लेती हुई अंगड़ाइयाँ, बढ़ रही हैं गोद फैलाए हुए रुसवाइयाँ, ऐ गम दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। रास्ते में रुक के दम ले लूँ मेरी आदत नहीं, रास्ते में रुक के दम ले लूँ मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊँ मेरी फितरत नहीं, और कोई हम नवा मिल जाए ये मेरी किस्मत नहीं, ऐ गम दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। मुंतज़िर है एक तूफ़ान बला मेरे लिए, मुंतज़िर है एक तूफ़ान बला मेरे लिए, अब भी जाने कितने दरवाजे हैं वह मेरे लिए, पर मुसीबत है मेरा अहद वफा मेरे लिए, ऐ गम दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। जी में आता है कि अब अहद वफा भी तोड़ दूँ, जी में आता है कि अब अहद वफा भी तोड़ दूँ, उनको पा सकता हूँ मैं ये आसरा भी तोड़ दूँ, हाँ मुनासिब है ये जंजीरें हवा भी तोड़ दूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। एक महल की आड़ से निकला वो पीला माहताब, एक महल की आड़ से निकला वो पीला माहताब, जैसे मुल्ला का मामा जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी जैसे बेवा का शबाब, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। दिल में एक शोला भड़क उठा है आखिर क्या करूँ, दिल में एक शोला भड़क उठा है आखिर क्या करूँ, मेरा पैमाना छलक उठा है आखिर क्या करूँ, जख्म सीने का महक उठा है आखिर क्या करूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूँ, इस किनारे नोच लूँ और उस किनारे नोच लूँ, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। मुफलिसी और ये मज़ाहिर हैं नज़र के सामने, सैकड़ों सुल्तान जाबिर हैं नज़र के सामने, सैकड़ों चंगेज़ो नादिर हैं नज़र के सामने, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। लेके चंगेज़ के हाथों से खंजर तोड़ दूँ, ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूँ, कोई तोड़े या न तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। बढ़ के इस इंदर सभा का साजो सामा फूंक दूँ, इसका गुलशन फूंक दूँ, इसका शबिस्तां फूंक दूँ, तख्त सुल्तान क्या है मैं सारा कसर सुल्तान फूंक दूँ, तख्त सुल्तान क्या मैं सारा कसर सुल्तान फूंक दूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। यह नज़्म 1937 में शाये हुई थी। इस नज़्म के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि मजाज की जो चंद मशहूर नज़में हैं उनमें इसका शुमार होता है। यह नज़्म आवारा पहला बंद है कि शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूँ,
नाकारा ऐसा शख्स जिसके पास कोई काम काज नहीं होता है, जो बिल्कुल काम से आरी होता है। और नाशाद के माने होते हैं, शाद के माने खुशी के होते हैं, नाशाद के माने जो खुश ना हो, जो रंजीदा हो, अफसरदा हो, गमगीन हो, उसको कहते हैं नाशाद। तो शहर की रात है, मजाज एक मंज़र खींचते हैं और ये कहते हैं कि शहर की रात है। शहर की रात ऐसी होती है जहाँ गांव की रात भी आपने देखी होगी, शहर की रातें भी आपने देखी होंगी, गांव में अंधेरा होता है और शहर में बिजली होती है, उजाला होता है, कुमकुमे जगमगा रहे होते हैं, लाइटें जल रही होती हैं। तो वो शहर की रात का मंज़र खींचते हैं और कहते हैं कि शहर की रात और मैं नाशाद व नाकारा थे, यानी मैं गमगीन हूँ, सुरदा हूँ, परेशान हाल हूँ और मैं बिला वजह इधर उधर फिर रहा हूँ। फिरने का मतलब आमतौर पर इस्तेमाल होता है बिला वजह इधर उधर घूमना। जगमगाती जागती सड़कों पर आवारा फिरूँ, ये सड़कें जो कभी नहीं सोती हैं, हमेशा रोशन रहती हैं, जहाँ पर बल्ब और कुमकुमे जलते रहते हैं और इनकी रोशनी से वो सड़कें जगमगा रही होती हैं, ऐसी सड़क पर मैं आवारा फिर रहा हूँ, यानी बिला सबब बिला वजह घूम रहा हूँ। खैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूँ, लेकिन मैं इतनी देर से टहल रहा हूँ, लेकिन ये खुद सोचिए कि ये गैर की बस्ती, मेरा घर नहीं है, मेरी बस्ती नहीं है, मेरा शहर नहीं है, तो ये गैर की बस्ती है, दूसरे का शहर है, दूसरे की बस्ती है। इस दयार गैर में, गैर की बस्ती में, दूसरे की बस्ती में कब तक मैं इधर उधर मारा फिरूँ, कब तक इधर उधर घूमता रहूँ, टहलता रहूँ। फिर वो अपने ख़ुद को मुखातिब करते हुए हैं, कहते हैं कि ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। वहशत होता है खौफ, डर, घबराहट, तन्हाई, अंदर का जो सूनापन होता है उसे भी कह सकते हैं वहशत, और दीवानगी के माने में भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। तो ये कहते हैं हर मिसरे में इसकी, हर बंद में इसकी तकरार है, आप देखेंगे ये बार बार हर बंद के आखिर में ये आएगा, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। ये अपने गम में डूबे हुए दिल को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। झिलमिलाती कुमकुमों की राह में संजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर दहकी हुई शमशीर सी। झिलमिलाती कुमकुमों की राह में संजीर सी, आपने शहर देखे होंगे और देखा ही है आपने शहर, आपने देखा होगा अक्सर शहर के किनारे जब कोई शादी ब्याह या फिर कोई त्यौहार होता है तो शहर में सड़कों के किनारे वो कुमकुमे लगाए जाते हैं, छोटे छोटे बल्ब जो होते हैं वो लगाए जाते हैं, उससे शहर को आबाद किया जाता है, रोशन किया जाता है। तो वो उसका मंज़र खींचते हैं, वो उसकी मंज़रनकारी करते हुए कहते हैं कि झिलमिलाती कुमकुमों की राह में जंजीर सी। आपने वो लड़ी देखी होगी इस तरह, तो आप जान रहे होंगे वो एक जंजीर सी बनी होती है, तो उसी का वो जिक्र कर रहे हैं कि राह में एक जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं, कुमकुमे होते हैं, उनकी जंजीर सी बनी हुई है, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी। अब रात के हाथ और दिन की मोहनी, यानी रात में जो कि रात जो कि अंधेरे से इबारत है, जो तारीकी से इबारत है, उसके हाथ में दिन की मोहनी, मोहनी मोह लेने वाली कोई चीज़, यानी दिल को लुभाने वाली कोई चीज़, मोहनी तस्वीर, ऐसी तस्वीर जो दिल को पसंद आ जाए, दिल को लुभा ले, मोह ले, दिल मन को मोह ले, वो मोहनी है। तो ये कहते हैं कि रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर से, है तो रात लेकिन इस रोशनी ने, इस कुमकुमे की जगमगाहट ने, इस रोशनी ने रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर, दिल को वो जो लुभाने वाला दिन होता है उसकी तस्वीर रात के हाथों में सौंप दी है। लेकिन इसका असर मेरे जिगर पर क्या है, मेरे सीने पर क्या है इसका असर, मेरे सीने पर मगर दहकी हुई शमशीर, शमशीर जानते हैं तलवार, और वो भी ऐसी तलवार जो दहक रही हो, गर्म हो, सो आग में तपाया गया हो। ये रोशनी और ये उजाला
जो कि लोगों को बहुत मुतासिर करता है और लोगों को बहुत ही अपनी जानिब खींचता है। लेकिन शायर को ये कैसा महसूस हो रहा है? उसे ये लग रहा है कि किसी ने शमशीर, जो गर्म सी शमशीर है, उसके सीने पर रख दी है। ऐसा महसूस हो रहा है शायर को। फिर वो अपने गम में डूबे हुए दिल को मुखातिब करते हुए कहता है, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ, है गम दिल, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई चारा नहीं है, है वहशत दिल, क्या करूँ, तू ही बता मैं क्या करूँ। लेकिन हर तरफ से खामोशी है। ये रुपहली छाँव ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल, आह लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल। ये रुपहली छाँव, रुपहली छाँव क्या है? चांदनी रात आपने सुनी होगी, जिसमें चांद निकला हुआ होता है और तारे झिलमिला रहे होते हैं और चांदनी बिखरी हुई होती है। ये रुपहली, इस छाँव को, इस रात को रुपहली रात या और फिर इस छाँव को रुपहली छाँव कहते हैं। ये आकाश पर तारों का जाल है, ये आकाश पर तारे बिखरे हुए हैं। आकाश हिंदी का लफ्ज़ है जिसके माने आसमान के होते हैं। ये रुपहली छाँव या आकाश पर तारों का जाल, ये आकाश पर यानी आसमान पर तारे बिल्कुल बिखरे हुए हैं। ये ऐसे महसूस हो रहे हैं, ये ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि सूफी का तस्वुर हो। सूफी का तस्वुर कितना पाकीज़ा और कितना रोशन होता है, उससे इसको ताबीर किया, इसकी तशबीह दी है। और किस तरह, जैसे आशिक का ख्याल, सूफी का तस्वुर और आशिक का ख्याल, दोनों कितने पाकीज़ा होते हैं। ये शायर की नज़र में दोनों बराबर हैं। आह लेकिन कौन जाने, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, आप लिखा हुआ है लेकिन आप इसको आह पढ़िए, आह यानी दिल से एक फूक सी उठ रही है, एक अफसोस की बात है कि आह लेकिन कौन समझे कौन जाने दिल का हाल। यहाँ पर इतना हसीन मंजर है लेकिन दिल का हाल यानी मेरे दिल का हाल कौन जाने कौन समझे, कोई नहीं समझ रहा है। ऐ ग़म दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। फिर वो टूटा एक सितारा, फिर वो टूटी फुलझड़ी। आपने तारों पर, आसमान पर सितारे टूटते हुए देखे होंगे, तो वो सितारे टूटते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई फुलझड़ी छूट रही है। तो उसी का जिक्र कर रहे हैं कि फिर वो टूटा एक सितारा, फिर वो टूटी फुलझड़ी, फिर वो छूटी फुलझड़ी, जाने किसकी गोद में आई ये मोती की लड़ी। अब वो कहते हैं कि वो आपने देखा होगा, वो जब वो सितारा टूटता है तो एक लकीर सी, एक लाइन सी बन जाती है और ऐसा लगता है कि मोतियों की एक लड़ी है, जैसे माला होती है, मोतियों की एक माला, उसी तरह से वो बिखरते हुए वो सितारा और तारा जाता है। लेकिन ये शायर का ख्याल है, साइंटिफिकली इसको देखा जाए तो बिल्कुल ये साबित नहीं कर सकते आप, और ये बिल्कुल साइंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ बात है, शायर का तसव्वुर है। तो ये जो मोतियों की लड़ी है, वो कहता है जाने किसकी गोद में आकर गिरी है। हुक सी सीने में उठी, चोट सी दिल पर पड़ी। हुक लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है कि तकलीफ के बाइस जो सीने से आवाज़ निकलती है उसको हुक कहते हैं। हुक सी सीने में उठी, चोट सी दिल पर पड़ी। ऐ गम दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। आगे देखिए कि रात हंस हंस कर ये कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी शहनाज लाला रुख के काशाने में चल, ये नहीं मुमकिन तो फिर ऐ दोस्त वीराने में चल। यानी शायर को, शायर ये है कि शायर को तो रात अच्छी नहीं लग रही है और ये रात का ये खूबसूरत मंज़र शायर को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो ये कहता है कि रात उससे ये कह रही है कि हंस हंस कर ये कह रही है कि मैं खाने में चल। आपको जैसा कि मैंने बताया कि मजाज बला के मैनोश थे, यानी शराब खूब पीते थे और छक कर पीते थे, होश हवास गंवा बैठते थे, कभी कभी तो सड़कों पर पड़े मिलते थे, गिरे पड़े हुए होते थे। तो वो ये कहते रात हंस हंस कर ये कहती है कि मैं खाने में चल, अब इनको फिर शराब खाने की याद आ रही है, फिर किसी शहनाज लाला रुख के काशाने में चल। शहनाज लाला रुख, ये आप दो नाम जान, लाला एक फूल होता है जो सुर्ख रंग का होता है, जिसके अंदर हल्का काला सा एक दायरा बना होता है, ये इकबाल के वहाँ
इसका खूब इस्तेमाल हुआ है। फिर किसी शहनाज लाला के काशाने में चल, इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि उस जगह चल जहाँ पर जो जगह जहाँ पर तवायफ़ें रहती हैं, उस से जानिब इशारा है कि उस जगह चल, यानी दिल बहलाने के लिए कहीं चल, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो वीराने में चल। यानी शायर का दिल गमगीन है, उसको ऐसी जगह पसंद है जहाँ जहाँ सिर्फ तारीकी हो, या फिर ऐसी जगह हो जहाँ रोशनी ना हो, जो जगह गम से इबारत हो, तारीकी से इबारत हो, ऐसी जगह वो चलने को कह रहा। इसीलिए वो कह रहा, ये नहीं मुमकिन तो फिर ऐ दोस्त वीराने में चल। वीराना उसको भाता है शहर को, कि शहर की रोशनी, चकाचौंध, ऐसी ज़िंदगी शहर को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि उसका दिल गम से भरा हुआ है। ऐ गम दिल क्या करूँ, ऐ मशहत दिल क्या करूँ, हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियाँ रानाइयाँ, हर तरफ बिखरी हुई। शायर कहता है कि रंगीनियाँ रानाइयाँ खूबसूरती, हर तरफ रंगीनियाँ खूबसूरती बिखरी पड़ी हुई है, हर कदम पर इशरतें लेती हुई अंगड़ाइयाँ, और हर कदम पर ऐशो इशरत अंगड़ाइयाँ ले रही हैं, हर तरफ ऐशो इशरत का बोलबाला है, बढ़ रही हैं गोद फैलाए हुए रुसवाइयाँ, लेकिन उसकी जानिब रुसवाइयाँ गोद फैलाए हुए, हाथ फैलाए हुए। यहाँ गोद फैलाए हुए से मतलब है, आप कभी कभी शायरी में इस तरह का इस्तेमाल होता है, आप इसको समझिए हाथ फैलाए हुए, हर बढ़ रही हैं गोद फैलाए हुए रुसवाइयाँ, यानी उसकी जानिब जो है रुसवाइयाँ हाथ फैलाए हुए हैं, यानी उसकी ज़िंदगी में, उसकी किस्मत में सिर्फ रुसवाइयाँ हैं रुसवाइयाँ हैं। ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ, रास्ते में रुक के दम ले लूँ मेरी आदत नहीं है। दम के माने होता है सांस लेना, इस्तेमाल होता है। रास्ते में रुक के दम ले लूँ मेरी आदत नहीं है, यानी मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, सांस ले लूँ थोड़ा सा, ये मेरी आदत नहीं है। शायर कहता है कि मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊँ मेरी फितरत नहीं, और मेरी फितरत ये नहीं है कि मैं रास्ता बदल दूँ वापस चला जाऊँ, ये भी मेरी फितरत नहीं है, और कोई हम नवा मिल जाए ये मेरी किस्मत नहीं, और कोई हम नवा मिल जाए मेरी किस्मत नहीं, यानी मैं सांस ले लूँ रुक के आराम कर लूँ ये मेरी आदत नहीं है, और मेरी फितरत ये नहीं है कि मैं रास्ता बदल दूँ वापस चला जाऊँ, ये मेरी आदत के ख़िलाफ़ है, और मेरी किस्मत में ये भी नहीं कि कोई दोस्त, कोई हमनवा, कोई साथी मिल जाए, कोई महबूब मिल जाए, ऐसी मेरी किस्मत नहीं है। ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। मजाज के बारे में एक बात मुझे आपको बतानी थी कि मजाज का जो है, जब ये अलीगढ़ में पढ़ा करते थे तो अलीगढ़ में लड़कियां इन पर बहुत फिदा हुआ करती थीं, और हाल ये था कि शक्ल शबाहत से तो बहुत खुबरू नहीं दिखते थे, लेकिन शायरी की वजह से इनका बड़ा शोहरा था अलीगढ़ में, और अलीगढ़ की जो लड़कियां थीं वो इनकी तस्वीर अपने तकिए के नीचे रख कर सोती थीं, और जो उनका मजमू कलाम था आहंग, वो हमेशा अपने सिरहाने रखी रहती थी। लेकिन इनका जिस लड़की से इश्क हुआ उसकी शादी कहीं और हो गई, और ये हमेशा परेशान रहे इस हवाले से। आगे है बंद की, मुंतज़िर है एक तूफ़ान बला मेरे लिए, यानी एक तूफ़ान बला, यानी मुसीबत का एक तूफ़ान मेरा इंतज़ार, मुंतज़िर इंतज़ार करना, मुंतज़िर है एक तूफ़ान बला मेरे लिए, मुसीबत का एक तूफ़ान, मुसीबत का एक समझिए एक बहुत ज़्यादा मुसीबत, जिसका आप जिसको आप कहें एक दो मुसीबत, मसायब मुसीबतें नहीं, मुसीबतों का ज़खीरा इनके इंतज़ार में है। अब भी जाने कितने दरवाजे हैं वहाँ मेरे लिए, वो ये कहता है कि कितने न जाने अनगिनत दरवाजे मेरे लिए खुले हुए हैं, अनगिनत रास्ते मेरे लिए खुले हुए हैं, लेकिन परेशानी क्या है, परेशानी ये है, पर मुसीबत है मेरा अहद वफा मेरे लिए, देखिए पर मुसीबत है मेरा अहद वफा मेरे लिए, मैंने जिससे वफा करने का अहद किया है, जिससे साथ निभाने का वादा किया है, यही मेरे लिए मेरे पैरों की बेड़ी है, मेरे पैरों की जंजीर है, यही मेरे लिए मुसीबत है, मैं इस अहद को तोड़ नहीं सकता, वरना रास्ते तो बहुत सारे अभी भी हैं। ऐ गम दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। फिर अब उनके दिल में एक नया ख्याल आता है, इससे बरक्स जो भी उन्होंने कहा उसके ख्याल आता है कि जी में आता है कि अब अहद वफा भी तोड़ दूँ,
जी में आता है कि अब अहद वफ़ा भी तोड़ूँ, उनके मन में आता है कि जो मैंने वादा किया है, अहद किया है किसी से, रिश्ता निभाने का वादा किया है, उससे अहद लिया है कि अब मेरा दिल ये करता है, मेरा जी ये करता है कि मैंने जो अहद किया उसको ख़त्म कर दूँ, उसको तोड़ दूँ। उनको पा सकता हूँ मैं ये आसरा भी तोड़ दूँ, आसरा उम्मीद, उनको पा सकता हूँ मैं ये आसरा भी तोड़ दूँ, अब ये उम्मीद मैं छोड़ दूँ, मैं ये उम्मीद तोड़ दूँ कि मैं उन्हें हासिल कर सकता हूँ, उनको पा सकता हूँ। हाँ मुनासिब है ये जंजीर हवा भी तोड़ दूँ, हाँ ये मुमकिन है कि ये जो जंजीर है, जंजीर हवा जिसने मुझे बांध रखा है, ये मुनासिब है, ठीक है, बेहतर ये है कि मैं ये तोड़ दूँ। ऐ ग़म दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। आगे है कि एक महल की आड़ से निकला वो पीला महताब। आपने देखा होगा कभी कभी कि जो चांद होता है वो बिल्कुल पीला होता है, और एक महल की आड़ से, मजाज जो है तरक्की पसंद शायर रहे हैं, तो महल और महताब, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मुल्ला का मामा जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी जैसे बेवा का शबाब। एक महल की आड़ से, यानी महल जो इबारत है उमरा की, रऊसा की जो हवेली होती है, उस हवेली के पीछे से, यानी वो हवेली, वो बताना ये चाह रहे हैं चांद को भी वो छुपा सकती है वो हवेली, यानी उमरा जो है, उमरा रऊसा चांद को भी अपने दायरे में ला सकते हैं, अपनी कैद में रख सकते हैं। वो कहने का मतलब ये है कि रऊसा ने या उमरा ने इस कदर माशरे पर और अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है कि चांद भी उनकी हवेली के पीछे से निकलता हुआ छुपा रहता है, लेकिन उसको निकलने के लिए भी कोशिश करनी पड़ती है। और ये चांद वो पीला महताब, यानी पीला जर्द महताब, जर्दी इबारत होती है हमेशा अफसरदगी की, गुर्बत की और परेशानी की, यानी जब चेहरा, आपने देखा होगा कि कहते हैं चेहरा पीला पड़ गया है, यानी किसी गम में है, किसी गम में चेहरा पीला पड़ गया है। जैसे फराज का एक शेर है कि मेरा ही रंग परीदा हर एक नज़र में रहा, वगरना दर्द का मौसम तो शहर भर में रहा। तो ये जो उड़ा हुआ रंग जो होता है, ये कहते हैं चेहरा रंगत उड़ी हुई है, क्यों है, आमतौर पर ये भी कहते हैं कि चेहरा पीला पड़ गया है, यानी गम के मारे चेहरा पीला पड़ गया है। और जो वो कैसे, जैसे मुल्ला का मामा जैसे बनी, ये एक तंज है, जैसे मुल्ला का मामा, अमामा जो पगड़ी होती है मौलवियों की, जैसे बनिए की किताब। अब तो खैर सब कुछ कंप्यूटराइज है, लेकिन पहले ज़माने में बही खाता होता था, अब वो बही खाता जो है पीले रंग का होता था। अगर आपने देखा होगा कागजात उसके देखे होंगे या रजिस्टर, तो वो देखा होगा बही खाता तो पीले रंग का होता है। तो जैसे मुल्ला का मामा जैसे बनिए की किताब, और आगे देखिए जैसे मुफलिस की जवानी जैसे बेवा का शबाब। मुफलिस की जवानी कैसी होती है, बिल्कुल लागर होता है, गरीब आदमी कैसा होता है, लागर होता है, कमज़ोर सा होता है, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ होता है। और बेवा का शबाब, यानी वो लड़की जो जवानी में ही बेवगी की चादर, यानी उसका शौहर मर जाता है, जिसका शौहर मर जाता है, ऐसी औरत को बेवा औरत कहते हैं, अंग्रेज़ी में विडो कहते हैं। और कहते हैं कि जैसे मुफलिस की जवानी जैसे बेवा का शबाब, ऐसी औरत जो ऐन जवानी में, जिसका शौहर इंतकाल करके आए और उसकी जवानी बिल्कुल समझिए उसकी, उसका चेहरा जर्द पड़ जाता है, उसकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई हसद बाकी नहीं रहती है, तो उससे ताबीर दी है। और खैर अब तो ज़माना बहुत बदल गया है, ये गालिबा 1937 की नज़म है, तो आज की तकरीबन 90 साल के आसपास का अरसा गुजर चुका है, एक सदी के आसपास का अरसा है। तो पहले ज़माने की बात और अब में बहुत फ़र्क आ चुका है। तो जैसे बेवा का शबाब, जैसे जवानी इबारत होती है हंसी से, खेल से और ख़ुशी से, लेकिन ऐसी सूरत में अगर किसी लड़की पर यह गम पड़ जाए कि उसका शौहर ख़त्म हो जाए, उसका शौहर इंतकाल कर जाए, तो उसका शबाब बिल्कुल ढल जाता है, उसका चेहरा, उसका जिस्म बिल्कुल पीला पड़ जाता है। तो उससे इबारत दी है जैसे मुफलिस की जवानी जैसे बेवा का शबाब, ऐ ग़म दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। दिल में एक शोला भड़क उठा है आखिर क्या करूँ, मेरा पैमाना छलक उठा है आखिर क्या करूँ, ज़ख्म सीने का महक उठा है आखिर क्या करूँ। फिर वो कहते हैं कि
दिल में एक शोला भड़क उठता है, दिल के अंदर जो आग लगी हुई है हुई थी पहले से, अब उस आग में शोल अब उसमें शोले उठने लगे हैं, अब वो शोले भड़क रहे हैं, मेरा पैमाना छलक उठा है, आखिर क्या करूं। और जो मैंने सब्र का दामन थाम रखा था, हाँ, अब वो दामन भी हाथ से छूटता जा रहा है, जख्म सीने का महक उठा है, आखिर क्या करूं। और जो जख्म था सीने में वो अब धीरे धीरे उसमें से महक आनी शुरू हो गई है, यानी वो जख्म जो है अब और पकने लगा है, आखिर मैं क्या करूं, ऐ गम दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूं। तो कहता है शायर, अब तो मेरा ये जी करता है जो आसमान में आसमान पर ये तारे जो बिखरे हुए हैं ये मुर्दा हैं और इनको मैं नोच लूं। अब आप सोचते एक तारा आदमी की पहुंच से कितनी दूर है, और नोचने का तो सबूर ही नहीं इतना बड़ा होता है वो, लेकिन शायर का ख्याल है, उसका ये जी करता है ये जो रोशनी है पूरी दुनिया में मायूसी छाई हुई है, और ख़ुद मैं बहुत गमगीन हूँ, मायूस हूँ, मेरी दुनिया में मायूसी छाई हुई है, लिहाजा मेरा अब ये जी कर रहा है कि ये जो भी रोशनी बख्श चीज़ें हैं ये मुझे परेशान कर रहे हैं, अब मैं ऐसा करता हूँ जी में आ रहा है, मैं इनको नोच लूँ, इनको ख़त्म कर दूँ, इनको फना कर दूँ, और इस किनारे नोच लूँ, उस किनारे नोच लूँ, यानी इधर से उधर, उधर से इधर, जितने भी तारे हैं इन सब को मैं नोच लूँ, इन सब को ख़त्म कर दूँ, इन सब की रोशनी मैं ख़त्म कर दूँ, इन सब को फना कर दूँ, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूँ, एक दो नहीं सब का सब मैं नोच लूँ, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। अब ये देखिए कि मुफलिसी और ये मज़ाहिर हैं नज़र के सामने, सैकड़ों सुल्तान जाबिर हैं नज़र के सामने, सैकड़ों चंगेज़ो नादिर हैं नज़र के सामने, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। मुफलिसी यानी गरीबी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, और ये मज़ाहिर हैं नज़र के सामने, ये जो मंज़र देख रहे हैं ये नज़र के सामने हैं, सैकड़ों सुल्तान जाबिर हैं नज़र के सामने, ऐसे ऐसे बादशाह हैं जो जबर करते हैं और जुल्म करते हैं, ऐसे सैकड़ों बादशाह हैं, सैकड़ों चंगेज़ो नादिर हैं नज़र के सामने। चंगेज़ ख़ान का नाम आपने सुना होगा, जिसका इंतकाल गालिबा 1227 ईस्वी में हुआ था, और अहमद शाह अब्दाली का भी आपने ज़िक्र सुना होगा, उसने दिल्ली पर हमले किए और दिल्ली को तबाह बर्बाद किया, तो उनका जिक्र कर रहा है ये शायर। वो कहते हैं कि सैकड़ों चंगेज़ो नादिर हैं, ये चंगेज़ हैं, नादिर शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली हैं, नादिर शाह हैं, अब्दुल क़ादिर शाह रोहिले हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो अलामत समझे जाते हैं जुल्म और ज़्यादती के। चंगेज़ ख़ान ने खोपड़ियों के मीनार बनाए थे, और जब चंगेज़ ख़ान का नाम आता है तो वो जुल्म, जैसे एक और नाम आता है हिटलर का, तो जब भी ये सारे नाम हम सुनते हैं तो हमारे जहन में वो चीज़ नक्श कर जाती है, वो जुल्म और वो ज़्यादती उसका हमारे जहन पर, हमारे जहन के पर्दे पर वो पूरा मंजर सामने आ जाता है। तो जब अगर ये कहा जाए चंगेज़ और नादिर, तो इसका मतलब है हर वो जालिम, हर वो जाबिर, यानी जो हर अहद में चंगेज़ और नादिर होते रहे हैं, तो इन्होंने एक मिसाल कायम कर दी कि जब भी जुल्म होगा, जब भी ज़्यादती होगी, जबर होगा माशरे पर, इंसानों पर जबर होगा, तो इन्होंने ऐसी मिसालें बना दी हैं कि ये जुल्म और ज़्यादती की, जबर और जुल्म की, और जुल्म के इंतहा की ये अलामत बनकर रह गए हैं ये नाम। तो ये कहता है शायर कि सैकड़ों चंगेज़ और नादिर हैं नज़र के सामने, नादिर, अहमद शाह अब्दाली, चंगेज़, ये एक दो नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ऐ गम दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ, लेके एक चंगेज़ के हाथों से खंजर तोड़ दूँ, किसी चंगेज़ के हाथ से खंजर मैं लेकर तोड़ दूँ, मेरा ये जी करता है। चंगेज़ का मतलब जैसे मैंने बताया कोई भी जालिम बादशाह हो सकता है, ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूँ, ये बिल्कुल वाज़े है, कोई तोड़े या ना तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूँ, मैं इंतज़ार ना करूँ किसी का कि कोई तोड़ेगा, ये काम मैं खुद करूँ, ऐ गम दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ। बढ़ के इस
इंद्र सभा का साजो सामा फूंक दूं, इसका गुलशन फूंक दूं, इसका शबिस्तां फूंक दूं, तख्त सुल्तान क्या मैं सारा कसर सुल्तान फूंक दूं। कहता है शायर कि इंद्र सभा, राजा इंद्र हुआ करते थे, इंद्र सभा उर्दू में ड्रामा भी है, आपके कोर्स में होगा, आप पढ़ेंगे उसको, इंद्र सभा। तो राजा इंद्र के महल में परियां रक्स किया करती थी, तो उसको इंद्र सभा कहा जाता था, इंद्र की सभा कहा जाता था। और हिंदू सनियात के मुताबिक इंद्र जो है, हिंदी में इंद्र, उर्दू में इंद्र होता है, तो इंद्र जो देवता हैं वो बारिश के देवता हैं, यानी बारिश का जो काम है वो उनके ज़िम्मे है। और शबिस्ता ख्वाबगाह हरम सरा, यहाँ बादशाह के सोने का कमरा जो होता है उसको शबिस्ता कहते हैं। तो ये कहता है कि जो भी जुल्म और ज़्यादती की अलामत हैं, और जो भी रंगीनी और रानाई की अलामत हैं, जो भी ऐशो इशरत की अलामत हैं, जो भी किसी भी तरह की ऐसी चीज़ की अलामत हैं जो गरीबों की खिलाफ है और जुल्म की हिमायत में है, तो उन सब चीज़ों को वो फना कर देना चाहता है। और जो चूँकि उसका दिल बिल्कुल गम से भरा हुआ है, परेशान हाल है, तो वो ये चाहता है कि दुनिया की सारी रंगीनी, सारी रानाई, सारी दिलकशी ख़त्म कर दी जाए, उसको फना कर दिया जाए। तो इसी लिहाज से वो ये कहता है कि मेरा ये करता है कि इंद्र सभा के, ये इंद्र के दरबार में जो परियाँ रक्स करती हैं उनका रक्स बंद करा दूँ, उन्हें जो है उसका साजो सामा, यानी जो रक्स होता है तो उससे पहले उसके साथ जो है गाने वगैरह का भी नज़म होता है, तो साजो सामान इस्तेमाल होते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, मौसीकी के जो आलात होते हैं उनका जो इस्तेमाल होता है, वो उसका ये कहना है कि मैं ये सारे सामान सब कुछ फूंक दूँ, सब कुछ ख़त्म कर दूँ, सब कुछ बर्बाद कर दूँ। शायर का कहने का मतलब ये है, लेकिन ये उसके बस में नहीं है, लिहाजा वो कहता है ख़म दिल क्या करूँ, या वहशत दिल क्या करूँ। ये नज़म यहीं ख़त्म होती है। और आपने ये देखा कि ये नज़म जो है तवील नज़म है और आपके कोर्स का ये हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और पढ़ाई पर तवज्जो दें। खुदा हाफिज़।